वेलकम टू स्पेल आउट की एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स सीरीज की फर्स्ट मूवी यानी स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो रेबल एलियंस उनकी फाइट इंपीरियर से हो रही होती है, क्योंकि रेबल एलियंस के जासूसों ने इंपीरियर्स के बैटल स्टेशन की जो इन्फॉर्मेशन थी और उनके प्लान्स को उन्होंने चुरा लिया है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रिंसेस लिया को दी है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डार्क रेडर है वो प्रिंसेस लिया के स्पेसशिप पर आ गया है और वहाँ पर आकर उसने उन सबको अरेस्ट कर लिया है। पर डार्क रेडर के अरेस्ट करने से पहले ही जो प्रिंसेस लिया थी वो एक रोबोट R2-D2 में वो सारी इन्फॉर्मेशन और प्लान को इंस्टॉल कर देती है, और जिसके बाद R2-D2 रोबोट C3 रोबोट के साथ उस स्पेसशिप से निकल जाता है। वो दोनों ही एक प्लेनेट पर जाकर पहुँचते हैं, और वो दोनों जिस प्लेनेट पर पहुँचते हैं वहाँ पर जावा ट्रेडर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन दोनों रोबोट को ल्यू के अंकल को बेच देते हैं। और दरअसल इस मूवी में जो लूक है वो इस मूवी का मेन हीरो है, और वो उस प्लेनेट पर अपने अंकल और आंटी के साथ रह रहा है। उसके बाद हमें आगे स्टोरी में दिखाया जाता है जो लूक के अंकल हैं वो लूक से उन दोनों रोबोट को क्लीन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लूक उन दोनों रोबोट को वहाँ से लेकर चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं जो लूक है वो R2-D2 को क्लीन कर ही रहा होता है, पर तभी जो प्रिंसेस लिया ने उसमें जो मैसेज रिकॉर्ड करा था वो लूक को मिल जाता है, पर वो मैसेज कंप्लीट नहीं होता है। पर वहाँ पर लूक को इतना पता चल जाता है जो प्रिंसेस लिया है उसे ओबी-वैन कोनोबी की हेल्प चाहिए, जिसके बाद लूक वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वो जैसे ही वापस आता है तो जो R2-D2 रोबोट था वो वहाँ से चला गया था, जिसके बाद लूक C3 रोबोट के साथ उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। और साथ ही पता चलता है हमें इस प्लेनेट पर सैंड लोग भी रहते हैं जो कि लोगों को लूटते हैं, तो वो लूक और उसके रोबोट पर हमला कर देते हैं वहाँ पर। और तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन उन दोनों को बचा लेता है और वो R2-D2 को भी ढूंढ लेते हैं, और तभी वहाँ पर पता चलता है वो ओल्ड मैन और कोई नहीं ओबी-वैन कोनोबी था। इसे सुनकर लूक ओबी-वैन कोनोबी को बताता है कि R2-D2 के पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है, और साथ ही जो ओबी-वैन कोनोबी था वो लूक को बताता है उसके जो फादर थे वो भी उसकी तरह एक जड़ाइयों थे और उन्होंने साथ में कई वॉर भी लड़ी थी एक साथ। और साथ ही ये भी बताते हैं कि जो डार्क रेडर है वो उन्हीं का स्टूडेंट था, जिसके बाद ओबी-वैन कोनोबी वहाँ से लोग और दोनों रोबोट्स के साथ चले जाते हैं। और जब वो एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं तो वो उस पूरे मैसेज को देखते हैं, और ओबी-वैन कोनोबी जब उस पूरे मैसेज को देख लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि R2-D2 रोबोट में वो सारी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें प्रिंसेस लिया के फादर तक पहुँचानी है, और इसके लिए वो लूक की हेल्प मांगते हैं, पर लूक वहाँ पर मना कर अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके अंकल आंटी का किसी ने मर्डर कर दिया है और उसके घर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके बाद ल्यूक ओबी-वैन कोनोबी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो ओबी-वैन कोनोबी हैं और ल्यूक वो दोनों ही उन दोनों रोबोट्स के साथ एक दूसरी लोकेशन पर पहुँचते हैं एक पायलट के लिए, ताकि वो दूसरे प्लैनेट जा सकें। जिसके बाद जब वो दूसरी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक पायलट मिल जाता है जो कि जोलो रहता है, जिसके बाद वो दोनों जोलो के स्पेसशिप में उस प्लेनेट से निकल जाते हैं। और जब वो उस स्पेसशिप से प्रिंसेस लिया के फादर के प्लेनेट पर पहुँच ही रहे होते हैं, उनके पहुँचने से पहले ही वहाँ पर जो डार्क रेडर था वो वहाँ पर आकर उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद जब ओबी-वैन कोनोबी और लूक वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई प्लेनेट नहीं मिलता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसके बाद वो अपने स्पेसशिप में जा रहे होते हैं, पर जैसे ही जिस डेथ स्टार ने उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करा था उसकी मैग्नेटिक फील्ड में उनकी स्पेसशिप आ जाती है, और वो भी उस डेथ स्टार पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि प्रिंसेस लिया को किडनैप किया गया था। तो जैसे उस डेथ स्टार पर पहुंचते हैं तो अपनी स्पेसशिप से सेफली निकलकर उस मैग्नेटिक फील्ड से निकलने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। उसके बाद वो ओबी-वैन कोनोबी से कहते हैं कि उन्हें एक रिएक्टर जाकर बंद करना है, जिसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी और वो वहाँ से निकल सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ओबी-वैन कोनोबी उस रिएक्टर को बंद करने के लिए जाते हैं तभी लूक और सोलो भी वहाँ से प्रिंसेस लिया को बचाने के लिए जाते हैं। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जोलो हैं और लूक हैं वो सेफली प्रिंसेस लिया को बचा लेते हैं, और दूसरी तरफ ओबी-वैन कोनोबी भी उस रिएक्टर को बंद कर देता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाती है। और ये सब डार्क रेडर को पता चल जाता है, जिसके बाद वो ओबी-वैन कोनोबी के पीछे जाता है, और वहाँ पर हमें ओबी-वैन कोनोबी और डार्क रेडर की फाइट देखने को मिलती है। ओबी-वैन कोनोबी को पता था कि वो डार्क रेडर से जीत नहीं सकता है, पर वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि लूक और प्रिंसेस लिया वहाँ से निकल जाएं। जिसके बाद प्रिंसेस लिया लूक और जोलो वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ पर ओबी-वैन को की डेथ हो जाती है यानी डार्क रेडर उसे वहाँ पर मार देता है।
उसके बाद लूक, प्रिंसेस लिया और जोलो एक सेफ प्लैनेट पर पहुंचते हैं, जहां पर कि वो जाकर प्लान बनाते हैं कि उस डेथ स्टार को कैसे डिस्ट्रॉय करा जाए। और उसके अगले सीन हम देखते हैं कि उन्हें उसका एक वीक पॉइंट मिलता है, जहां पर फायर करने से वो पूरा डेथ स्टार डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद लोग वहाँ की रेबल आर्मी को ज्वाइन करता है उस डेथ स्टार को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दूसरी तरफ जो पायलट जोलो था वो अपना वहाँ से इनाम लेकर जा रहा होता है, और तभी लोग उससे कहता है कि वो रेबल आर्मी में शामिल नहीं होगा क्या, पर जोलो मना कर देता है उस आर्मी में शामिल होने से। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रेबल आर्मी के पायलट्स थे वो पूरी तरीके से तैयार थे हमले के लिए। और उसके बाद हमें एक क्लाइमैक्स फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर कि जो ल्यूक था वो लास्ट में उस वीक पॉइंट पर फायर कर ही रहा होता है, तो उस टाइम पर जो पायलट जोलो था वो भी आकर लोग की हेल्प करने लगता है, जिसके बाद वो उस डेथ स्टार को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जिसके बाद रेबल आर्मी वहाँ पर जीत जाती है, और उसके अगले सीन में जो जोलो थे और लोग थे उन्हें अप्रिशिएट करा जाता है, और यहाँ पर इस मूवी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको अगली वीडियो में इस सीरीज़ की अगली मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।